बंगाल की खाड़ी से उठा चक्रवाती तूफान दाना गुरुवार रात 12 बजे ओडिशा के तट से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया। सुबह करीब 8:30 बजे तूफान की लैंडफॉल प्रोसेस खत्म हुई। 8:30 घंटे में तूफान की रफ्तार 110 किलोमीटर से घटकर कम हो गई। दाना के असर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बारिश हो रही है। भद्रक केंद्रपाड़ा में 30 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश का अनुमान है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मनोहर चरण मांझी ने कहा कि चक्रवात दाना ने 24-25 अक्टूबर की मध्य रात्रि को लैंडफॉल किया। यह आज सुबह 7 बजे तक जारी रहा। लैंडफॉल के दौरान हवा की गति 82 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी। कहीं भी किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हमने उचित योजना और निष्पादन के कारण ये लक्ष्य हासिल किया है। हमने 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। एयरपोर्ट सेवाएं सामान्य हो गई हैं। पहली उड़ान सुबह 9 बजे भुवनेश्वर में उतारी और आज दोपहर 1 बजे तक सभी सड़क अवरोध बहाल कर दिए गए हैं। 5.84 लाख लोगों को रिलीफ कैंप में शिफ्ट किया है। कई इलाकों में पेड़ उखड़े, गाड़ियां भी डैमेज हुई। ओडिशा के अलावा तूफान का असर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु में भी देखने को मिला। पश्चिम बंगाल सरकार ने 83,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया है। At midnight of 24th and 25th between Bhitarkanika and Dhamra. The process continue till 7 a.m. today. During the landfall, the wind speed was 80 to 100 km per hour. There has been no report of any casualty anywhere. We have achieved the target of zero casualty due to proper planning and execution. We have shifted more than 6 lakh people to safer places. About 6,000 pregnant women are also shifted to health care centers and magruhas. Of them, 1,600 women gave birth to babies. Both mothers and newborn babies are safe and healthy. Airport services have become normal. The first flight landed in Bhubaneswar at 9 a.m. All the road blockages will be cleared by 1 p.m. today.